हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट शिंजो आबे, जो कि जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी गनशॉट में 8 जुलाई को हत्या हो गई है। ठीक है, तो ये वीडियो उनके बारे में हम बना रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी हमारे लिए एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो पढ़ेंगे इस बारे में। चलिए देखते हैं। शिंजो आबे, जिनका जन्म हुआ था 21 सितंबर 1954 और ये मरे हैं 8 जुलाई 2022। ओके, जस्ट start knowledge about him that he was a Japanese politician who served a prime minister and president of Liberal Democratic Party. इनकी पार्टी का नाम जिस पार्टी से थे Liberal Democratic Party, और इसके दो बार प्रेसिडेंट रहे 2006 to 2007 एंड अगेन 2012 to 2020। ठीक है, और यही इनके प्राइम मिनिस्टर का भी टेन्योर था। प्राइम मिनिस्टर भी सेम ही टेन्योर के लिए रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। ओके, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री। ही सर्व्ड एज अ चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी फ्रॉम 2005 to 2006। ओके, 2005 to 2006 ये चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, 2006 to 2007 ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, इनके डेथ का कारण है ब्लड लॉस ड्यू टू गनशॉट, गोली मारने की वजह से, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से इनकी हत्या हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। ही वॉज बॉर्न इन अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली, पहले से पॉलिटिकल फैमिली से पैदा हुए थे ये। ठीक है, पॉलिटिकल फैमिली से थे ये। नेक्स्ट दिया हुआ है, ही वॉज द यंगेस्ट पोस्ट वॉर प्राइम मिनिस्टर। इन्हें एक वॉर के बाद सबसे यंगेस्ट थे जिन्हें वॉर के बाद तुरंत प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जापान का। और अगेन ही रिजाइन एज अ प्राइम मिनिस्टर जस्ट आफ्टर 1 ईयर इन ऑफिस ड्यू टू मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से। प्राइम मिनिस्टर बनने के एक साल बाद, यानी कि 2007 के बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया। और फिर इसके बाद इन्होंने एक ही टेक अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल, बहुत अच्छा पॉलिटिकल कमबैक लिया इन्होंने, और इन्होंने हरा दिया शिगेरू इशीबाबा। ठीक है, टू ये फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रहे थे, इनको एलपीडी के प्रेसिडेंट के चुनाव में इनको इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 2012 ही वॉन द जनरल इलेक्शन। ओके, 2012 में इन्होंने जनरल इलेक्शन जीता, और फिर एलपीडी को आगे फर्दर 2014 और 2017 दोनों, 2012 to 2020 ये पूरे लगातार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। सो ये 2017 और 2014 का भी चुनाव जनरल इलेक्शन ये जीत गए थे। ठीक है, 2014 और 2017 का भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही अनाउंस दिस सेकेंड रिजनरेशन। ओके, इन्होंने दूसरी बार अपना रिजन सबमिट किया एज अ प्राइम मिनिस्टर, फिर मेडिकल रीजन्स की वजह से इन्होंने फिर से वो कर दिया, रिजाइन दे दिया एज अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, आगे हम देख लेते हैं आगे मेजिकल चेंजेस बाय अबे। ठीक है, मेजर चेंजेस, इन्होंने जो अच्छे बदलाव किए अपने कंट्री के लिए, जो कि इनके बारे में फेमस है जो चीज़ें, वो हम देख लेते हैं थोड़ा। इन 2007 ड्यूरिंग हिज फर्स्ट नंबर ही फर्स्ट टेन्योर ही वाज इनिशिएटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ओके, ये इन्होंने क्वैड की स्थापना, जिसका एम था कि चाइना को इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर न बनने देना। ठीक है, इसका एम यही था। ओके, नेक्स्ट जो है उनके बारे में, ही एडवोकेट रिफॉर्मिंग द जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को इन्होंने बनवाया बाय रिवाइजिंग जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 को रिवाइज करके, ताकि इनकी कंट्री वॉर डिक्लेयर करने से बच सके। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ही इन 2015 ही इनेक्टेड मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड अलाउड जापान टू एक्सरसाइज कलेक्टिव सिक्योरिटी। ओके, 2015 में इन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स लाए, जिससे जापान की जो JSDF थी, ठीक है, जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस जो थी, वो सिर्फ जापान में नहीं बाहर जाके भी अपना काम करें। इसके लिए उन्हें काफ़ी कंट्रोवर्सी से गुजरना पड़ता, बट इन्होंने जो भी किया अपने कंट्री के लिए किया था। आगे नेक्स्ट, अबे वाज नोन फॉर इस इकोनॉमिक स्ट्रेटन एंड निकनेम्ड एबेनॉमिक्स विद मिक्सड रिजल्ट्स। ओके, इन्होंने इनकी जो ये अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह जाने जाते थे, जो अपने कंट्री के इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए काम करते थे। ओके, बट इनके इस तरीके को लोग अबेनॉमिक्स कहने लगे थे। ठीक है, अबेनॉमिक्स, अबे मतलब शिंजो आबे का अबे, इनका सरनेम इकोनॉमिक्स, इसलिए। और इसके ऐसा नहीं है कि हर बार मतलब सफल ही हुए, हर इनकी पॉलिसी सफल ही हुई, हाँ इन्होंने फेल भी हुए और अच्छे भी रिजल्ट आए, दैट्स वाई मिक्स रिजल्ट आए थे इनके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाउ ही डाइड। ओके, इनके बारे कैसे मरे हैं। सो ही हैड डाइड इन हॉस्पिटल आफ्टर ही वॉज शॉट एज अ पॉलिटिकल, हाँ इन्होंने मतलब ये कंपेन कर रहे थे, पॉलिटिकल कंपेन इवेंट था एट अ नोना सिटी इन जापान फ्राइडे मॉर्निंग, और वहीं पे इनकी एक 41 ईयर ओल्ड पर्सन ने गोली मारी, जिसकी वजह से काफ़ी ब्लड लॉस हुआ और इनकी हॉस्पिटल में डेथ हुई। ठीक है, द गनमैन टोल्ड दैट ही हैज़ अ ग्रज अगेंस्ट स्पेसिफिक
ऑर्गेनाइजेशन, उसका ग्रस्त था किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के वजह ऑर्गेनाइजेशन से, इस वजह वो उसका ये कहना है कि इसीलिए उनको इसने मारा है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट मिस्टर शिंजो आबे। और अगर आपको वीडियो अपनी वीडियो यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।